नमस्कार, आप हमारे सामने परम ज्ञानी बैठे हैं, तो हम लोग को कुछ गुणवान और अच्छी बातें बताने की बता गायत्री मंत्र के विषय में। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी मंत्र कहीं से उसका ओरिजिन होता है ना, ये लिया गया है ऋग्वेद से, समझे। वेद कितने होते हैं जी? चार होते हैं। चारों में हर वेद का एक उसका वो होता है बेसिक थीम, समझे जी। जी तो क्या है ऋग्वेद का बेसिक थीम, क्या है जी आप बताइए। हम लोग अज्ञानी लोग हैं, हम लोग को पता नहीं, संपूर्ण ज्ञान नहीं है हाँ। भाई चार वेद होते हैं, कौन कौन से ये तो नाम बताओ। हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद जो है इसमें देवताओं की स्तुति करने से संबंधित समस्त श्लोकों का वर्णन है। श्लोक मंत्र जो भी है देवताओं की स्तुति से जुड़ा हुआ है, समझे जी, जी, जी। और सामवेद क्या है? सामवेद होता है संगीत से जुड़ा हुआ, संगीत से संबंधित उसमें सब कैटेगराइज किया गया है। इसी तरह से अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद में कर्मकांड जो होते हैं ये तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है कि किस तरह के तंत्र मंत्र होते हैं, किन किन कांडों में जिनका प्रयोग होता है, चाहे वो तांत्रिक वाले हों चाहे इस प्रकार के हो। इसी तरह से हर वेद का अपना एक थीम है, थीम है, एक बेस है, उसके अनुसार वो कार्य करते होंगे, डायरेक्शन दिए होंगे। या तो हम ये वीडियो फिल्म बनाने लगे, तब जो समय के ऋषि मुनि है उनका नाम है इसी से जुड़ा हुआ ऋग्वेद में, उसमें अक्षर है ऋग भी है उनके नाम में, बड़ा कठिन नाम होता है इन लोगों का। हाँ, तो इसी तरह से ऋग्वेद की रचना गायत्री मंत्र उसी से, हाँ उसी में है, गायत्री मंत्र उसी से लिया गया है, ऋग्वेद में है, पावरफुल मंत्र है, इसकी क्षमता है, ये ऋग्वेद में ही है, ऋग्वेद में इसका वर्णन है।